हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये काफ़ी दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। अर्ली मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है, नाइट तक, उस टाइम से आप ब्लॉग बनाई फुल नाइट तक, तो मेरा ब्लॉग जो है आज यही है। यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट कर दिया क्योंकि जो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, मैक्सिमम ये 30 आधे घंटे से ऊपर, तो मैं सोचूँगी आप लोग भी बहुत। तो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट है, हो चुकी है सुबह टाइम में, आपने अभी देखा वगैरह, मैंने ब्रश वगैरह करती हूँ, फेस वॉश वगैरह करने के बाद बस सेम उसके बाद जो होता है ना क्लीनिंग वगैरह हो जाता है, बेड शीट वगैरह सही करना मुझे, और से बीच में जो काम होते हैं ना, मैं सुबह टाइम में ही उठ के ही ये झाड़ू पोछा वाला जो क्लीनिंग वाला काम होता है ना, नहाने से पहले कर लेती हूँ, और नहाने के बाद तो मन नहीं करता मेरा कुछ करने का इस वजह से। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो वहाँ पे बस सीढ़ी जो है, मतलब जीना जो है, उसको मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और ये देखिए पोछे जो है ना, मैं पोछा लगा रही हूँ, मतलब वाइपर में कपड़े मतलब फंसा के, क्योंकि जो मेरा पोछे का स्टैंड है वो मतलब जो है टूट चुका है, आधा हो चुका है, तो वो मतलब अगर आप बैठ के ही लगाएं तो भी वही रहता है, और इससे अच्छा तो मुझे वाइपर में लगता है, मुझे स्टैंड उसका चेंज करना है या लाना है, कुछ ऐसा मैं करूँगी, नहीं तो मैं अधिकतर हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ, उससे ना अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और यहाँ पर जो है बस पोछा वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बस मुझे गैलरी साफ करनी रहती है ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर कैमरा मैं थोड़ा सा आगे लेके आ रही थी, तो यहाँ पे जो होता है ना थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, तो मैं एक दो बार इसको 3-4 बार मुझे गैलरी साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं नहा लूँगी, उसके बाद यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह अच्छे से मैं कर दूँगी, उसके बाद मैं नहाना होगा, फिर ये लोग नहाएंगे तो पानी वगैरह जस्ट वगैरह हो ही जाता है। उसके बाद मैं नहा के जस्ट आ चुकी हूँ मंदिर में, तो यहाँ पे मंदिर पे मैं दीपक वगैरह जलाती हूँ, आप लोग को तो पता ही है सुबह टाइम में मॉर्निंग में होता ही है, बस जो भी काम शुरू करें भगवान के नाम से तो ज़्यादा सही है, तो यहाँ पे दीपक जल रही है आप लोग देख ही रहे। उसके बाद मैं सीधी आ जाऊँगी किचन में, और यहाँ पे मैंने एक गुनगुना पानी मतलब करके रखा हुआ है पीने के लिए, और मैं पी चुकी थोड़ा सा तुलसी में डाल के, इसके बाद फिर जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी होने लगती है, प्रिपरेशन, क्योंकि सुबह टाइम में आप लोग को पता ही है, और वैसे भी छोटे मोटे जो होते हैं ना मुझे पूरे टाइम का जो काम है वो ब्लॉग नहीं बन पाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें के लिए इंसान कितना भी कैमरा लेके कहाँ तक घूम सकता है, आप लोग को ये समझते होंगे। तो सुबह टाइम का जो टाइम है बस स्टार्ट हो जाता है नाश्ता से लेके लंच, लंच से डिनर, और बीच बीच में बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर जो ना मुझे क्लीनिंग थोड़ा सा आटा वगैरह गूंथना है, और यहाँ पे मैं आज आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं बना ही लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो यहाँ पे जो ना मैं आटा निकालूँगी और गूंथने के लिए, आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन मिला लिया है, थोड़ा सा नमक मैंने, थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद वो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने सोचा कि मैं बता दूँगी, उस टाइम मैं भूल गई क्योंकि मेरा कैमरा उस टाइम में उधर लगा हुआ था। तो यहाँ पे बस आटा आपको गूँथ लेना है, यहाँ पे मम्मी जो है सुबह के टाइम है, आप ये पूजा वगैरह मम्मी का भी हो गया है, बस ये लोग तैयार हो गई हैं क्योंकि मम्मी को स्कूल जाना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पनीर कट करके रख ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा मैंने रेड जो है शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर भी मैंने मतलब ऐड कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर सब मेरा कट के यहाँ पर रेडी है, प्याज वगैरह भी, और आइए मैं कैसे आपको बनाना है मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे बस प्री हीट पे मैंने कढ़ाई जो है चढ़ा दी है, थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद मैंने जीरा थोड़ा सा लिया था, थोड़ा सा मतलब अजवाइन और हरी मिर्च, यही सब मैं डाल के फ्राई करूँगी पहले इसको अच्छे से, वो मेरा तड़का जब चटक जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर शिमला मिर्च जो है, थोड़ी सी प्याज जो मैंने कट करके रखी है वो, और टमाटर यहाँ पर ऐड कर दूँगी। उसके बाद ना कि आपको जो है टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में पनीर इसमें डालनी है, अगर आपके पास कैप्सिकम मतलब ग्रीन वाला हो तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, जो भी आपके पास हो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बहुत यम्मी ये ब्रेकफास्ट बनता है गाइस, कभी भी किसी वक्त आप लोग बना सकते हैं। मैं सोचती हूँ ना कि मैं कुछ आप लोग के लिए नया हमेशा ही लाती रहती हूँ, तो आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर। ये अर्ली मॉर्निंग का स्टार्ट है, आप लोग देख रहे हैं 5 बजे से स्टार्ट होता है और नाइट 10:45 या 11 बजे तक ही मतलब मेरा समाप्त होता है, आधे घंटे एक्स्ट्रा मेरा लग जाते हैं क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह चेंज करना रहता है, नहाना रहता है, फ्रेश होना, ये सब जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो मैंने आप लोग को वैसे ही बता दिया। और यहाँ पे उसके बाद आपको सारे मसाले ऐड कर लेने हैं, यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर जैसे जीरा पाउडर भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं,
धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं वहाँ पे सब्जी मसाला भी ऐड करूँगी जो पनीर वाला होता है। अगर आपके पास पनीर वाला नहीं तो जैसे जो मसाला आप डालते हो सब्जी में वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए अच्छे से आपको मिला देना है और नमक भी आप इसी वक्त डाल दें, क्योंकि नमक से होगा कि अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा इसको। बस मैं मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक गैस पर रखूँगी, बस हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे जो है ये बनके एकदम रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं यहाँ पे पनीर ऐड करूँगी, वो मेरे अच्छे से पक चुका है। अगर आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें पनीर का टुकड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा पतला वैसे, लेकिन अगर ऐसे ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद ये देखिए 2 से 3 मिनट इसको आपको अच्छे से मतलब स्लो में पका लेना है। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा यमी आ चुका है। अगर आपको लच्छा पराठा बनाना आता हो तो आप इसमें डाल के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल ही बनाया था। तो ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और ये गाइस खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा यमी। तो आप लोग ट्राई करना मुझे और कमेंट ज़रूर करना। अगर न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ना मेरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। तो जैसे आप नॉर्मल रोटी का डो लेते थे मतलब करते हैं ना छोटा सा लेके लोई, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है। रोटी की साइड में मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर आपको लच्छा पराठा आता हो, एक दो बार मैं लच्छा पराठा मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, मैं कोशिश करूँगी कि शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो उस टाइम कुछ शायद था नहीं कि मुझे जल्दी थी मॉर्निंग में, तो क्योंकि लच्छा पराठे में थोड़ा सा टाइम भी लगता है बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पराठा बना लिया है, बस आपको थोड़ा सा ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज करते हैं वो फटाफट आप लगा लीजिए। और इसके बाद ये देखिए पराठा बनके तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद आपको क्या करना है आगे आप लोग देखते रहिए, और ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसे पूरे टाइम बने रहिए। एक बार आप खा लेंगे ना इसको तो बार बार खाने का मन करेगा। तो ये देखिए दोनों साइड से जो अच्छे से मेरा सिक चुका है, थोड़ा बहुत से जो है वो अभी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन वगैरह, अगर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी टिफ़िन वगैरह भी आप अच्छे से तैयार करके दे सकते हो, और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और उनको अच्छा भी लगेगा, उनका जो टैमी है अच्छे से फुल हो जाएगा। तो आप लोग भी खुश होंगे कि हाँ मेरा बच्चा खाया। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइएगा यहाँ पे। तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे यहाँ पे जो हो चुका है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैस मतलब हाई कर लिया था, आप लोग स्लो कर लेना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती मॉर्निंग में, मुझे खुद ही नहीं पता इतना जल्दी टाइम निकलता है कि क्या बताऊँ आपसे। तो हर किचनों का, हर मतलब लेडीज़ों का यही होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है वॉलपेपर होता है ना, टिश्यू पेपर या जो भी आपके पास हो आप इसमें रखिए, और जो आपका पनीर का जो मैंने डो अभी जो स्टफिंग होता है ना वो आपको अच्छे से फिल कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा करके बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे किया है। कितना अच्छा ये बन के तैयार हुआ है, तो आप लोग खुद ही गैस लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया ये आप भी बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा क्या पता अच्छा बन जाए। तो आप लोग ट्राई करना। उसके बाद सबका नाश्ता वगैरह हो गया था, बस मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी थी। तो यहाँ पे मैं सिंपल पराठा लेके बैठी थी क्योंकि मुझे वो पनीर थोड़ा कम पसंद है, और इस टाइम मैं डाइट पर हूँ तो मुझे नहीं लगता कि पनीर वगैरह और ज़्यादा मेरा बढ़ा देगा वेट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, चना आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि खा नहीं पाई थी। एक पराठा या रोटी में लंच में लेती हूँ, या ब्रेड वगैरह हुआ या कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे ना कपड़े जो हैं वो मुझे मतलब धुलना है इसलिए यहाँ पे रखा है। तो आप लोग माइंड मना करना कि यहाँ पे कपड़े ऐसे फैला के रखे हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है उसके बीच में और भी मेरे काम जो थे वो हो चुके थे। उसके बाद आराध्या को नहलाना है, तो आराध्या यहाँ पे देख रहे हैं कितने मस्ती से नहाती है और ये मना कर रही है मम्मा इतना पानी नहीं, मुझे थोड़ा पानी देना। तो बच्चे हैं ना तो उनका करना ही पड़ता, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है। तो यहाँ पे जिद कर रही है कि मैं खुद से नहाऊँगी, और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ नहाते वक्त। तो वो इसको ये लगता है ना कि जो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ तो मैं सारे काम अपने खुद से कर सकती हूँ, तो उसको यही लगता है। तो बार बार ये देख ली मना कर रही है, और इसको पानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में।
पानी के साथ बहुत खेलती है ये। अगर वैसे भी कुछ हाथ में डस्ट वगैरह लगे तो, या कुछ वैसे भी खाती होती है मम्मी, मैं हैंड वॉश करके आऊँ, हमेशा ये बोलती रहती है। तो आराध्या और मेरी मस्ती चल रही है यहाँ पे, दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे भी बहुत मज़ा आता है इसके साथ। दोपहर का 1 बजे का टाइम है, इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। उसके बाद जो ना बॉटल वगैरह जो मुझे फ़िल करनी रहती वाटर से, वो फ़िल कर दिया मैंने, फ्रिज में लगा भी दिया। तो यहाँ पे बीच में दूध भी आ जाता है, वही करीबन मेरा टाइम होता है 11:30 या 12 बजे का। तो दूध मैंने अच्छे से बॉयल कर दिया, आप लोग को पता। फिर मुझे जो है चावल साफ़ करना था, वैसे उसमें कुछ रहता नहीं, फिर भी मेरा मन नहीं मानता कि मैं सोचती हूँ ना कि मैं अपने आँख से देख लूँगी तो ये रहता है ना कि कुछ इसमें कंकड़ वगैरह या कुछ ऐसा ना रहे कि जो खाते वक्त ये चावल में पके, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा सबके साथ होगा, होता होगा। तो यहाँ पे मैंने चावल बस देख लिया है और उसके बाद आराध्या जो है यहाँ पे अपना कार्टून देख रही है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। उसके बाद मैं सीधे किचन में जाऊँगी और जो मुझे प्रिपरेशन करनी है मतलब लंच का, तो बस वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ दाल चावल, क्योंकि सब्ज़ी रोटी, तो यहाँ पर बस फटाफट यहाँ पर मैंने दाल जो है, आज मैं अरहर की दाल बनाने वाली हूँ। और कल वैसे मैं दाल दोपहर में बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि शाम टाइम में मेरे यहाँ बनता है फुल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। और सुबह टाइम में ना पापा वगैरह को नाश्ता वगैरह खिला दो, फिर ये लोग अगर कुछ हैवी बन जाता है ना, जैसे आज बन गया था तो मैंने दोपहर में उसे चावल दाल बना लिया, और हैवी ये लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं तो फिर क्या होता है ना कि ये लोग मतलब अगर लंच कर लेंगे तो फिर नाइट में ये लोग कुछ नहीं खाएँगे। तो देखते हैं, आज मैं यही बनाने वाली हूँ डिनर में, सॉरी लंच में। तो यहाँ पे बस अरहर की दाल मैंने अच्छे से वॉश करके पानी डाल दिया इसमें, हल्दी थोड़ा सा नमक डालने के बाद बस मुझे गैस पे चढ़ा देना है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। दाल भी हो गया और मैंने इसको फ्राई करने के लिए, आप लोगों ने देखा ही अभी, तो ये दोपहर का टाइम था, लंच का ही टाइम था। तो यहाँ पे ये फल लेके आए थे लीची, और देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सी इसकी क्लिप दिखा दूँ। तो जैसा लग रहा है ना मार्केट से पेड़ वेड़ में लगा रहता है उस टाइप का, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत मेरा हेल्प करते थे। तो यहाँ पर जो बनाना लेके आए थे उसको भी अच्छे से वॉश कर दिया था इन्होंने, और यहाँ पर लीची देखिए एक एक निकाल के रख रहे हैं प्लेट में, और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ये फ्रिज में रखेंगे। ये सब थोड़ी बहुत हेल्प तो ये करते ही रहते हैं। तो ये देखिए मेरा जो है लंच तैयार है, दाल चावल और सुबह की ही सब्जी है, सलाद और चटनी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे जा रही थी लंच करने के लिए गाइस, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब एकदम अच्छे ठीक ठाक होंगे। और मेरा काम जो दोपहर वाला अभी जो फिनिश हो चुका है, अभी टाइम हुआ है 2:40 हो रहे हैं, खाना पीना बर्तन वगैरह भी सब क्लीन वगैरह हो चुका है, और मेरी बिंदी भी पता नहीं कहीं गिर गई है। तो मैं क्या हुआ,
तो गाइज अभी मैं आधे घंटे का टाइम मिल गया मुझे, तो मैं आराम करूँगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको इवनिंग टाइम में। वो आज मैंने सुबह मॉर्निंग से जब मैं के बाद, ये इवनिंग का टाइम है, वही 6 बजे होंगे, तो मैं अधिकतर सुबह टाइम में कंघी वगैरह बहुत कम कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। उसके बाद जो है बस जो डेली का मेकअप होता है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिल। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो ये इवनिंग का टाइम है और भी करीबन 6:05 हुए हैं और आज मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, बारिश वगैरह होने की संभावना थी, नहीं बारिश हुई भी आज। तो आज मैं ना आप लोग के साथ पूरी जो मॉर्निंग से मतलब अर्ली मॉर्निंग जो होती है तब से मैंने आप लोग के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ, कंटिन्यू चल रहा है मेरा। बीच बीच का कुछ होता है कि जो मैं आप लोग के साथ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ना बार बार कैमरा लेकर इतना समय भी तो चाहिए। वैसे मैंने जहाँ तक मुझसे हो चुका मतलब हो सका वहाँ तक मैंने किया, तो अब जो है 6 बजने का टाइम हो गया है, तो बस मैंने थोड़ा सा मेकअप सेकअप कंघी वगैरह मेरा हो गया, बस रेगुलर का मेकअप मेरा यही रहता है और मेकअप वगैरह मैं बहुत बहुत कम करती हूँ। तो अभी चाय बनाने का टाइम है तो मैं चल रही हूँ किचन में चाय बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद हम छत पर चलेंगे, तो आप लोग भी लेके चलते चलिए छत पर आती हूँ। और शाम टाइम में बस आराध्या और मैं और मेरे बगल की एक मतलब बुआ जी हैं आराध्या की, वो भी साथ में, बस हम लोग घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ का मौसम आप लोग को दिख रहा होगा, इतनी मतलब घनघोर बादल है और बिजली की कड़क है और मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आई होप आप लोग को भी ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी आप लोग को दिखाने के लिए, देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा एकदम बारिश होने के बाद ये हुआ है। ये करीबन 9:30 का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में आज बनेगा पोहा क्योंकि ये लोग आज दोपहर में कुछ ज़्यादा खा पी लिए थे, इस वजह से हल्का खाना बनेगा। खाना क्या, बस वही पोहा बनेगा। तो मैं फुल रेसिपी नहीं दूँगी क्योंकि मैं इसको कई बार मैं यहाँ पे शेयर भी कर चुकी हूँ, तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए क्या क्या मैंने डाला है। यहाँ पर मेरा पोहा है जो बन के तैयार है, एकदम रेडी, गर्म गर्म और बहुत ज़्यादा दिखने में भी ठीक लग। तो ये देखिए पोहा बनके तैयार है, ये अब हम जा रहे हैं अपना खाने और ये लोग मतलब खा रहे हैं, मैंने सबको दे दिया, बस खा के बस क्लीनिंग वगैरह करनी है, फिर खा के मैं मिलती हूँ आप लोग से, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए पोहा बढ़िया बने, आप वगैरह मेरा सब कुछ हो गया है, बस ट्राइपॉड यहाँ भी रखा है क्योंकि आप लोग को पता है ना वीडियो से बनाती हूँ, तो इस टाइम में जब क्लीन वगैरह रहता है ना पूरा किचन वगैरह, तो सुबह मॉर्निंग में जब बहुत एकदम फ्रेश फ्रेश साफ साफ रहता है ना तो मन एकदम खुश हो जाता है। और पोहा सबने खाया, सबको अच्छा लगा। पोहे वगैरह वैसे नाश्ते वगैरह में होता है लेकिन आज ना दोपहर टाइम में ये लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था, मतलब 2:30-3 बजे, क्योंकि मैंने आज लेट से ही बनाया था क्योंकि सुबह टाइम में लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जैसे हैवी कुछ होता है, पनीर वगैरह खा लेते हैं, तो 2:30-3 बजे के लगभग ही करेंगे, तो उसके बाद फिर शाम में आप लोगों को पता चलिए खाना भी बनाता है। तो ये भी हो गया है, सीधे चलती हूँ उसका, फिर आप उससे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैं नीचे से ऊपर आ चुकी हूँ, अभी मैं अपने रूम में, और जो मेरे नीचे मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी अभी बात करूँगी तो मतलब पैर दबाते चाय वगैरह भी बनानी थी मुझे, जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे यहाँ का कोई टाइम नहीं है कि टाइम नहीं फिक्स हो कि चाय कब बनाना है कब नहीं बनाना है, जब जिसका मन कर दिया तो तुरंत बनाना पड़ता है। तो गाइज़ बस फाइनली जो है मेरे काम इस टाइम का हो चुका है, बस खुश हैं जो अभी जैसे मुझे अभी चेंज करने हैं कपड़े और आराध्या का भी चेंज करना है, नाइटी वगैरह उनको पहनाना है, और ये अभी मतलब जो है खाना वाना सबका हो चुका है, डिनर का सारा, बस इनको दूध दे के आती हूँ मैं, दूध दे आई हूँ ऐसे भी पी चुके हैं और फिर ये बैठ गए हैं अपना पढ़ने के लिए,
क्योंकि इनका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो मैंने भी 1 घंटा 2 घंटा भी बीच बीच में पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको ना अर्ली मॉर्निंग से जो मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग, तो मैं अब एंड पे कर देती हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है। तो जिनकी जो फरमाइश थी वो मैंने मतलब किया। तो गाइज़ अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़, अब मुझे क्या करना है, बस चेंज करना है, मतलब आपको पता है ना कि पूरे टाइम का इवनिंग के बाद मैंने अभी फिश वगैरह नहीं धुला है, तो मैं चेंज करूँगी, आराध्या का भी चेंज करूँगी। तो ये देखो आराध्या अभी घूम ही रही हैं इधर आधवार, तो ये घूम रही हैं, ये देखो, ये अभी ये पापा का अपना फ़ोन लेके आई है और ये घूम रही हैं। इनका टाइम मैं आप लोग को टाइम भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, आप लोग को टाइम पता चल गया होगा कि 10:45 होने वाले हैं। तो ये देखिए आप ही मतानी थी और इनको, और ये कैसे बात कर रही हेलो करके, और ये सबका जो सुनती रहती हूँ। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी, और एकदम लोग फैन वगैरह चला लो तो आज एसी चलाने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए मेरी एसी जो है, ये देखो मेरी एसी बंद है और मैंने अभी फ़ैन भी नहीं ऑन किया है, क्योंकि अभी मैं आप लोग से बात कर रही थी तो आवाज़ आती है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, और जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने पूरा किया। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अब आरू भी बोलो, आरू गुड नाइट बोलो, इधर इधर आके मम्मा गुड बाय, आप भी बोलो गुड नाइट, गुड गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय, ऐसे चिल्ला के नहीं, सही से बोलो, बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर नए व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।